subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. शुरू होने से पहले ही लोगों के अंदर उसके लिए एक्साइटमेंट आ जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल आईपीएल का लास्ट मैच है जो कि फाइनल्स है, जीटी वर्सेस सीएसके। जीटी का भी परफॉर्मेंस एकदम सुपर रहा है और सीएसके का भी परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच रहा है। दोनों ही टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है, तो आइए यहाँ से लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है कल के मैच को लेकर, और आईपीएल में ओवरऑल इनका फेवरेट टीम कौन सा रहा है, कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस इनको एकदम बेस्ट लगा है और कॉन्ट्रीब्यूटिव लगा है। मुझे लगता है अभी तक का परफॉर्मेंस जीटी का काफ़ी अच्छा रहा है, सीएसके का भी है, बट जीटी जीतना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से। जीटी का फुल सपोर्ट है। एक्चुअली मैं आरसीबी का फैन काफ़ी 2012-13 से मैं कंटिन्यू मैच देख रहा हूँ। 2016 का तो आपको मालूम है 400 मारा था विराट कोहली ने, और उस टाइम पर फाइनल जीतना चाहिए था बट नहीं जीता। इस टाइम पर भी है काफ़ी, विराट कोहली के अलावा कोई चला नहीं। आपको क्या लगता है आरसीबी क्यों लैग कर जाता है, किसका इसमें क्या कमी रह जाती है जो हर टाइम आरसीबी लैग? मुझे लगता है कभी कभी बॉलर एंड बैटिंग का भी इशू आ जाता है। बैटिंग काफ़ी अच्छा है, सब लीजेंड प्लेयर है उसमें, फिर भी कोई चलता है हर बार कोई नया। अभी डुप्लेसिस इस बार अच्छा खेले, विराट कोहली भी अच्छा खेले, फुल सपोर्ट आरसीबी, बट अभी फाइनल के लिए जीते। शुभम गिल का एक नंबर बैटिंग चल रहा है अभी, वो कल 100 मारे तो और खुशी होगा, बैक टू बैक 300। ये जो आईपीएल में जो नए नए अभी युवा जुड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग आगे जाके टीम इंडिया को अच्छे से लीजेंड बनेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। शुभम गिल हो गया और ऋतुराज गायकवाड़ तो अभी खेल ही रहे, या फिर उनका ऐसे स्टार्टिंग से हम फैन है इनका, धोनी का, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड को वो बहुत नाम रोशन किए, इसीलिए आई लाइक धोनी, लेकिन ज़्यादा मेरे को पसंद है चेन्नई। और कहीं ना कहीं खेल की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने मैं धोनी एमएस धोनी का फ़ैन हूँ, सो मैं चेन्नई को फुल सपोर्ट करूँगा। मैं चाहता था कि मुंबई और चेन्नई फाइनल खेले, सो ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। हम देख रहे थे कि कल मुंबई जीतते जीतते हार गई, और तिलक वर्मा ने अच्छा खेला और सूर्य कुमार यादव ने भी ट्राई किया ऑलमोस्ट कि अपनी टीम को जिता सके, और वो विफल रहे, सो मुंबई हार गई और गुजरात को मौका मिला। अभी वो गुजरात फाइनल में खेलेगी, आई होप चेन्नई फाइनल ले लेगा। कल का मैच जो फाइनल मैच है आईपीएल का 15वां सीज़न का, उसके अंदर मेरा तो फेवरेट टीम चेन्नई है, क्योंकि मैं सपोर्टर तो मुंबई का हूँ, लेकिन अभी चेन्नई फाइनल में है गुजरात के साथ, तो मैं चेन्नई को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि उसमें एमएस धोनी है और हम एमएस धोनी को पहले से मतलब वो चाहते हैं। ओवरऑल टीम में तो मैं मुंबई के बारे में थोड़ा बात करूंगा, तो लखनऊ के साथ जो अपन हारे थे उस दिन, लखनऊ के साथ वो एक्चुअली क्वालिफायर के पहले वहाँ पे जो सूर्य कुमार यादव आउट हुआ था, वहाँ पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, वो अगर जीत जाते तो टॉप टू में रहते और एक मैच खेल के फाइनल में चले जाते। तो कल के लिए आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सीएसके को? हाँ, कल के लिए पूरा सपोर्ट सीएसके को ही है, एमएस धोनी का। ऐसा हम तो चेन्नई चाहेंगे जीते और कुछ नहीं। कल का मैच है जीटी वर्सेस सीएसके, तो उसके ऊपर आपका क्या ओवरव्यू? तो यही है कि सीएसके जीतने वाला है, इतना श्योर है, क्योंकि मैं एमएस धोनी फैन हूँ और धोनी का ये लास्ट आईपीएल हो सकता है, और इसके लिए मैं सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ और वो जीतेगा श्योर। टॉप मैच ऋतुराज गायकवाड़ एक सीएसके से ही है वो भी, और शुभमन गिल उनका भी बहुत अच्छा, और सूर्य कुमार यादव वो एक है कि इंडिया को ये आगे जाके ये यंगस्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे इन फ्यूचर भी। यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि कुछ लोग जीटी को सपोर्ट कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ने ही अब तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, दोनों में प्लेयर्स भी एकदम अच्छे हैं, तो ये तो कल ही पता चलेगा कि कल कौन जीतने वाला है और ट्रॉफी कौन अपने घर लेकर जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेनोसे के साथ लक्ष्मी गुप्ता, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज़ टुडे, क्लिक
क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।